चीज है, एक बात कंफ्यूजन चल रहा था कि बीएड वालों को L1 और L2 दोनों में लिया जाएगा नहीं लिया जाए, तो NCT की गाइडलाइन का हमने अच्छे तरीके से अध्ययन किया है, उसमें राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया है। और एक शर्त ये भी है कि अगर कोई बीएड किया हुआ व्यक्ति L1 देता है तो उसको 2 साल के अंदर अंदर ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 6 महीने का, और वो ब्रिज कोर्स उस संस्था से करेगा जो NCT के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था होगी। तो ऐसी संस्था राजस्थान में आज की तारीख में नहीं है, और बीएड के बच्चों को चूंकि फर्स्ट ग्रेड में, व्याख्याता में, सब में मौका मिलता है, तो BSTC के बच्चों को केवल L1 में मौका मिलता है। तो जब राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार पे उनके विवेक के ऊपर छोड़ा गया, तो इसलिए राज्य सरकार ने दोनों वर्गों का ध्यान रखते हुए BSTC के बच्चों का, वो जो DLED जिसको बोलते हैं, उसका भी ध्यान रखा है और बीएड वालों का भी ध्यान रखा है। तो L1 है उसमें केवल DLED यानी BSTC के बच्चे आएंगे, और L2 में बीएड वाले बच्चे आएंगे। एक और महत्वपूर्ण